जो भी लोग मेडिकल में जाने वाले हैं, जिनका फिजिकल और रिटन अच्छे से क्लियर हो गया है, वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए इसके लिए और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। फालतू इधर उधर कहीं जाए ना, बाइक वगैरह कम चलाएं, मतलब जितना हो सके घर पे आप रेस्ट करो जब तक कि आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको मेडिकल से बाहर कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आपका जो फाइनल मेरिट है वो कितने पे लग सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इसमें मेरिट तीन बार लगती है। पहला मेरिट लगता है जब रिटन का रिजल्ट आता है उस टाइम। सेकेंड मेरिट कब लगता है? जब आपका फिजिकल हो जाता है, उसके बाद फिजिकल के बाद एक मेडिकल की लिस्ट आती है, मेडिकल और डीवी के लिए एक लिस्ट आती है, उस समय सेकेंड मेरिट लगता है जो कि आएगा आपका अभी। ठीक है, और थर्ड मेरिट कब लगती है? जब फाइनल वाला रिजल्ट आता है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है बच्चों की। ठीक है, कुछ बच्चे उसमें बाहर होते हैं और जो फाइनल बच्चे लिए जाते हैं उसके हिसाब से एक फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल कट ऑफ होता है। तो तीन कट ऑफ होता है, पहला रिटन के टाइम, दूसरा मेडिकल के टाइम, तीसरा फाइनल रिजल्ट के टाइम। अभी हमारा पहला कट ऑफ आ चुका है, अभी दूसरा कट ऑफ होना बाकी है और तीसरी कट ऑफ आनी बाकी है। हमने जो 2021 वाले GD में एग्जाम दिया था उसमें क्या हुआ था, जो पहली मेरिट लगी थी वो 65 पे लगी थी। अगर मैं OBC की बात करूँ, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, OBC की, UP की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ।